2015 के बच्चे को जो सवाल, माइक्रोस्कोप है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज 10.55 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। यार देखो भाई, 10.5 मिलीमीटर है, एफ ई 25 है। सबसे पहले तो हमें क्यू चाहिए, 1/p, ठीक है, ये बल्कि पी है बेटा, पी नॉट, ठीक है। अब ये 10.5 हो गया, 1/q और 1/10, इसकी मदद से पहले हम क्यू निकाल लेंगे जो के आ जाएगा 210। अब एफ ई 25 दी हुई है, ठीक है जनाब, यहाँ 25 लिखते हैं, और 250 अभी हमने क्यू ई खुद से निकाला है भाई। अब हमें पी चाहिए, पुट करेंगे आ जाएगा 22.7। तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज होता क्या है, P1 + Q1 = तो ये करेक्ट आंसर आएगा 232.7। तो मेरे भाई ये इन्होंने टेस्ट बुक से ही उठा करके दिया था ये वाला। अब आ जाओ बड़ा ही दबंग क्वेश्चन बच्चों, ये अक्सर लोगों ने गलत किया है। एन एपल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 meters per second इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 degrees अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट इस हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा यहाँ रेंज का फार्मूला v² sin θ पहुँच जी, वी 30 हो गया, थीटा भी 30 हो गया, साइन 30, 32 = 60, साइन 60 होता है बेटा √3/2। अब देखो स्क्वायर का मतलब है दो बार लिख देंगे, 9.8 ये रहा, 30 कटेगा 2 से, यहाँ 15 बचा, यहाँ √3 होता है 1.73 into 15 into 80 / 9.8 अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 80 meters, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।